So hey, what's up guys, finally I'm back with another video of Realm Craft. तो रियलम क्राफ्ट की न्यू अपडेट आ चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को भी दिखाऊँ. तो फर्स्ट अपडेट तुम लोगों को सामने नज़र आ रही होगी कि फर्स्ट अपडेट रियली में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है. तुम लोग जैसा कि देख सकते हो हमारा जो करैक्टर है, अब पहले क्या होता था जब हम अपनी स्क्रीन रोटेट करते थे तो करैक्टर ही रोटेट हो जाता था, लेकिन अब उसका सिर्फ और सिर्फ मुँह ही रोटेट होता है जैसा कि तुम लोग देख रहे हो. नीचे ऊपर दाएं बाएं हर तरफ मैंने कर लिया एंड सिर्फ इसका मुँह ही रोटेट हो रहा है, जो कि भाई बहुत ही कमाल का फीचर है एंड रियली में आई वॉन्ट दिस. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट इन द रियलम क्राफ्ट. सो जो नेक्स्ट अपडेट हमारी रियलम क्राफ्ट में आई है वो है मतलब रनिंग वाली रियलम क्राफ्ट की अपडेट आई है. पहले हम भागते थे मतलब प्लेन भागता था, लेकिन अब जब हम तेज़ भागने की कोशिश करते हैं तो ऐसे जूम आउट और जूम इन का इफेक्ट होता है जो तुम लोग अपने सामने देख सकते हो. पहले मैं नॉर्मल भागूंगा तो और फिर जैसे ही मैं तेज़ भागने की कोशिश करूंगा साथ ही मतलब जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट होता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है. बाय द वे अगर हम लोग इन्वेंट्री में आ जाएँ तो इन्वेंट्री के अंदर जो एग्ज हैं वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही हैं जिस तरह के पहले के थे एंड कुछ नए स्टफ्स मतलब टेक्सचर्स वगैरह थोड़े से आई थिंक चेंज किए, जिस तरह के आई पीरियल है जो तुम लोग नीचे देख सकते हो थोड़ा सा इसका टेक्सचर चेंज हुआ है एंड कुछ खास इसमें ऐड नहीं हुआ है. तो यह हम कह सकते हैं कि ये मतलब पहले वाला सब कुछ था. और गोल्ड इनकट और जो आयरन इनकट है या इन दोनों के टेक्सचर्स थोड़े से चेंज हुए हैं, लेकिन ये पहले भी गेम में थे. पहले मुझे लगा कि ये गेम में नहीं थे, लेकिन मुझे फिर याद आया कि यार ये तो पहले भी थे गेम में. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर डोर्स, जो कि भाई वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स है. मतलब तुम लोग देख सकते हो लाल कलर के एंड ग्रीन कलर के डोर्स इन्होंने ऐड किए हैं जो कि नैदर वुड से बनेंगे और नैदर वुड भी इसके साथ ऐड की गई है. वो तुम लोगों को मैं अभी आगे बताऊँगा, बट उससे पहले तुम लोगों को और ब्लॉक्स दिखाना चाहूँगा जिस तरह की क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस है. इसके अंदर के टेक्सचर सेम है बट बाहर से इनके टेक्सचर भाई बिल्कुल चेंज कर दिए, मतलब कार्टूनिस्टिक बहुत ज़्यादा कर दिए एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट कर दिए. तो यह ताकि लैग मतलब कम हो जाए गेम में तो इसलिए किया है. ऊपर से ये एक नोटबुक है जो कि न्यू ऐड हुई है, ब्लॉक मतलब न्यू ब्लॉक है, इससे पहले जो इसमें ऐड नहीं था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड नोटबुक मतलब ये जो ब्लॉक है ये तो ऐड हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ब्लॉक भी ऐड हुआ है जो कि तुम लोग ये देख सकते हो, जिस तरह एक लैम्प वाला ब्लॉक है. ये पहले का ऐड था बट इसका टेक्स्चर जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है. तो अभी मैं देख लेता हूँ मसला क्या हुआ है इसके अंदर. वो ये है कि जब इसके अंदर लाइट जलती है ना तो काफ़ी अजीब होती है, वो मैं तुम लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ. लेकिन ये जो हमारी नोटबुक है ना, इसके अंदर तुम लोग अपनी सीडी भी इंसर्ट कर सकते हो, इस तरह मैं भी तुम लोगों को दिखा रहा हूँ. हम मैंने अंदर सीडी इंसर्ट की और एक म्यूज़िक प्ले होना स्टार्ट हो गया. इसी के साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा सारे डिस्क हैं जो कि तुम लोग मतलब अंदर डाल डाल के अलग अलग तरह के म्यूज़िक सुन सकते हो. डेट्स अ रियली नाइस फीचर. अब मैं तुम लोगों को इस लैम्प को जला कर दिखा देता हूँ. और ये भाई रहा अपना लैम्प, मतलब मजाक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा है कि सिर्फ टेक्सचर चेंज हुआ है, लैम्प जला नहीं है. ऑन लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट. तो ये है भाई हमारे ब्लू कलर के लाइट वगैरह, मुझे इसका सही नाम नहीं पता, बट जिस तरह माइनक्राफ्ट के अंदर अपडेट में ये आई थी तो इन्होंने रियलम क्राफ्ट में भी ऐड कर दी है. इसके अलावा ये जो पौधे हैं भाई, मुझे आई एम रियली सॉरी बट मुझे इनका नाम नहीं पता. यह ट्विस्टिंग वाइंस इसका नाम है, जो कि मुझे मेरी वन ऑफ माई फेवरेट थिंग है रियलम क्राफ्ट. पहले माइनक्राफ्ट में थी ऑफकोर्स, लेकिन अब रियलम क्राफ्ट में आ गई है तो ये रियलम क्राफ्ट ने बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है एंड मैं मतलब टोटली मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ अपनी सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर. सो या ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो कि नेदर की चीज़ें आने वाली हैं. इसके बाद तुम लोगों को कुछ ब्लॉक्स बता देता हूँ जो नेदर के अंदर आने वाले हैं, जिस तरह के ये तुम लोग सामने देख सकते हो. तो इसके अंदर हमारे पास क्राइंग ऑब्सीडियन, हमारे पास कुछ टेक्सचर चेंज हुए हैं ओर्स के, जिस तरह के डायमंड ओर एंड गोल्ड ओर, बाकी के सारे सेम ही लग रहे थे तो वो मैंने ऐड नहीं किए. बाकी तुम लोग देख सकते हो कि ये न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं, जिस तरह के एक नेदर ब्लॉक के अंदर इन्होंने थोड़े से नगर ऐड कर दिए हैं और ये कुछ रेड और ब्लू ब्लॉक्स हैं एंड सबसे बड़ी बात भाई ब्लॉक ऑफ नेदरराइट ऐड कर दिया है. अब पहले ये था कि नहीं था इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता. अगर तुम लोगों को लगता है पहले था तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, बट आई थिंक दैट इट्स न्यू और हो सकता है इसके मतलब जो आर्मर वगैरह और वेपन वगैरह भी आ सकते हैं. सो अगर आए तो मुझे ज़रूर बताना. बाय द वे दिस वाज इट, मतलब यही चीज़ें ऐड की हैं एंड ये बहुत बड़ी अपडेट थी आई थिंक रियलम क्राफ्ट में जो कि इन्होंने ऐड की है. एंड इसी के साथ मुझे कंटेंट भी बहुत ज़्यादा मिल गया अपलोड करने के लिए, भाई परेशान हो गया था मैं. सो यही था वीडियो के अंदर. वीडियो पसंद आई तो लाइक जब प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना. टिल देन टेक केयर, बाय.